समाचार में आपका स्वागत है। दरभंगा समाचार की टीम जिस तरीके से पंचायती चुनाव को लेकर के पंचायती सर्वे कर रही है तमाम जिलों पंचायत भवन में, आज हम महादेवपुर के कोगरा पंचायत में पहुंचे। वार्ड नंबर 8 है और यहां पे कुछ बच्चों का कहना, वार्ड सात है, यहां वार्ड के कुछ बच्चों का कहना है कि जब स्कूलें चली हैं, यानी जो हायर स्कूलें हैं क्लास 9 के अपर क्लास के, लेकिन क्लास 12 के भी 11 के भी, लेकिन बच्चे का कहना है कि शिक्षक मौजूद नहीं हो रहे ना वहाँ पे पढ़ा पड़े। हम यहाँ पे कुछ छात्राएं से पूछते हैं कि किस तरीके दिक्कतें आ रही है, ये बताइए क्या हुआ है। हमारे स्कूल में प्लस टू भी थे, हाई स्कूल भी है, पर पढ़ाई नहीं चलती है 12th क्लास की। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, किसी की पढ़ाई नहीं चलती है। हम लोग जाते हैं फिर वापस चले आते हैं। रूम अच्छा नहीं है, पंखा भी नहीं है स्कूल में। क्या कोई शिक्षक अभी नहीं आते हैं वहाँ पे? हाँ आते हैं, सिर्फ एक इंग्लिश के टीचर आते हैं। और आपके क्लास के क्लास 12 में आपके जो अन्य सब्जेक्ट के शिक्षक वो नहीं आ रहे? नहीं नहीं आ रहे हैं, ही नहीं तो आएंगे क्या? है नहीं है शिक्षक नहीं है, इकोनॉमिक्स का मास्टर है, कोई हिंदी का है, कोई शिक्षक नहीं है। अभी आप किस क्लास में हैं? 12th में। क्लास 11 में शिक्षक मौजूद थे? नहीं, दो शिक्षक थे प्लस टू का। क्लास 11 में तो आप अगले साल गए, जो कोरोना काल से हो गया, ठीक है। लेकिन यानी उस शिक्षक स्कूल में आपके जो साइंस लेके जो पढ़ रहे वो शिक्षक मौजूद ही नहीं है वहाँ पे? हम साइंस लिए हैं उग्रा स्कूल। आपका नाम? प्लस आप आर्ट्स लेके पढ़े उसी स्कूल में? साइंस लेके। कभी पढ़ाई नहीं हुआ है कोई मास्टर। अभी आप किस क्लास में है? पूछ रही है ना, 1105 रुपया एडमिशन में लगता है, 1365 रुपया नाम लिया है, 1105 रुपया का रसीद दिया है, रसीद ला के दिखा देते हैं। हम लोग प्लस टू हाई स्कूल में है, परंतु वहाँ पे टीचर मौजूद नहीं है जो हम लोगों का पढ़ाई। यहाँ पे पानी लगता है, यहाँ रोड पर पानी लगता है। 40 तो कंप्यूटर रखा हुआ है? नहीं भी नहीं है, बस एक है, दो है इंग्लिश और पॉलिटिकल का, बस हो गया। कभी कभी आते हैं, नहीं अभी आते। आप कौन सी क्लास में है? 12th में है। चलिए, लास्ट ईयर तो कोरोना काल, तो इस बीच आप कोरोना काल में, बहुत अच्छा सवाल बताइए कि कोरोना काल में सरकारी स्कूलों में किसी तरह का ऑनलाइन स्टडी थी? नहीं। तो आप लोगों ने किस तरह से स्टडी किया घरों में? कुछ नहीं, बुक से पढ़े। आप इधर तो अगर बुक से आपने लोगों ने पढ़ा तो उसके बाद अभी एग्जाम हुआ है? नहीं, नहीं हुआ। एग्जाम नहीं हुआ, प्रमोट किया जा रहा है? पंचायत के भी में अभी आप लोग का एडमिशन, पंचायत पर 16 लोग सबसे नहीं हुआ है। कोई तो मात्रा दे पता है, और आप लोग यहां के प्रधानाचार्य से पूछा ही होगा कि सर इम्तिहान होगा कि नहीं होगा 11 का? हां अभी वैसे स्कूल तो बंद है, नहीं जा रहे हैं, लोगों को बोलने के लिए आए ही नहीं है। 3 करोड़ का बिल्डिंग बना है वो मीडिया है, पर हम लोग आने गए थे, परंतु अभी 9th का परीक्षा चल रहा है, उसे बोल रहे तो बंद है। पास से आए बोल रहे? यस सर। ये थे बच्चों का, क्योंकि स्कूल में क्लास 9 का एग्जाम चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि स्कूल में 11, 12 अगर है तो शिक्षक कहाँ है? इसी कारणवश बिहार के जो, और बिहार के नहीं पूरे हिंदुस्तान के, अगर सरकारी व्यवस्था देखा जाए स्कूलों में, छात्र तो भरपूर होते, शिक्षक की व्यवस्था नहीं होते, जिसके कारण से जो माँ बाप होते अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए फिर प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागते हैं, और प्राइवेट स्कूलों का फीस दिन पर दिन बढ़ते जाता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते, फिर पढ़ाई छूट जाती है, फिर रोजमर्रा की अगर महिला होती है छात्र छात्रा है तो उनका जल्द से विवाह कर दिया जाता है, या जो लड़के होते हैं उन्हें बोलता है बेटा बेटा हम पढ़ा नहीं सकते रोजगार, यही एक समस्या है बिहार का, नहीं क्योंकि सरकार भी इस तरफ से नहीं देख रही है, और सरकार को यहाँ देखना चाहिए शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, बजट को उस तरीके से अच्छा बनाना चाहिए कि सरकारी, आज हजारों छात्र शिक्षक पटना में डंडे खाते हैं लेकिन उनकी भर्तियां नहीं हो रही है, पास कर चुके हैं, लेकिन यही चीजें देखने को मिलती है कि ग्राम में, गांव की पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गांव से ही शहर की तरक्की होती है, गांव में अगर तरक्की नहीं होगा तो शहर की तरक्की नहीं हो सकती है। दरभंगा समाचार से मैं संजय कौशल झा के साथ। आज रखे हुए हैं इंदिरा आवास सहायक या कोई भी व्यक्ति, वो आकर के घरे घरे 10,000-5,000 रुपया असूलता है, असूल करके जाता है, किसी को माने घर में जाकर चुपचाप बात करता है, आप पैसा पेमेंट हो रहा है, दो एक चीज दे दिया उसका बाद पैसा भुगतान करने का कोई ताकत नहीं करता है। कौन है यहाँ का आवास? हाँ हाँ आवास सहायक है, मनकुंड है, कृष्णानंद पासवान, कृष्णानंद पासवान है। और वो किस, वो क्या मुखिया जी उसको भेजते हैं? क्या मुखिया जी भेजे नहीं भेजे उससे हमको कोई संपर्क नहीं जानते हैं, वो व्यक्तिगत आता है ब्लॉक से।
अभी तक आपको कितना तक मांग लेता है? 10,000-12,000 प्रत्येक घर से लिया है। 10,000 ले लेगा उनसे तो मकान में क्या बनाएगा वो? हाँ वही सोचिए, मैंने देखा जाए जो 10,000 रुपया लेवे करता है तो गरीब आदमी कहाँ से मकान बनाएगा। आपका नाम? हमारा नाम लखीसर पासवान, पंचायत सचिव है, मैंने पंच है 6 वार्ड का। अच्छा आप एक पंच है और आपके सामने अगर ये होता है तो आप क्या इस पे आप अपना क्या संज्ञान लिए हैं आज तक? हम तो उनको रोके हैं, आप नहीं कर सकते हैं गांव में। अच्छा इसलिए आप मन का आप नहीं आइए, आपको हम मन FIR करवा देंगे। अच्छा क्या कर रहे थे आप, मतलब कहना चाहिए नहीं उनको जैसे रुकना? हम कहते थे क्या हम कहेंगे तो आप चार वार्ड का पंच क्या करता है, वार्ड नंबर क्या करता है? पूरा मुखिया बोलिए, लग रहा है इस बार पंचायती चुनाव इस ओगरा पंचायत का किस तरफ रहेगा रुझान आप जनता की तरफ से? हमारे सब युवा की तरफ से नया हम लोग देखना चाहते हैं, कोई नया युवा हो ओगरा के मुखिया। ऐसा कौन है, कोई चेहरा अभी तक दिखा है? अभी है एक दो है, जैसे मनीलेश कुमार झा मिट्ठू हैं। अच्छा दोनों में कांटे की टक्कर रहेगी, युवा है इसलिए? युवा है, कर्मठ है, शिक्षित है। और जो वर्तमान है उसमें क्या दोष है? वर्तमान में कुछ दोष नहीं है, लेकिन हम लोग का जो है सो एक युवा का चेहरा देखना चाहते हैं। युवा चेहरा चाहते हैं। अच्छा युवा सोच और युवा, लेकिन कहते हैं युवा सोच तो ठीक है लेकिन पुराने जो लोग होते हैं उनके पास तजुर्बा होता है, क्या लग रहा है? अब देखिए अब पहले क्या था, अभी ऑनलाइन का जमाना है सर। पहले था जो आपकी कोई आवासीय या किसी कोई चीज बनाने के लिए जाते थे तो आपको ये मतलब लिखना पढ़ना मतलब होता था, अब जो है ऑनलाइन का जमाना है, जो पुराने जमाने के लोग नहीं कर सकते हैं, नए युवा ही कर सकते हैं। आपका नाम? कृष्ण कुमार मुखिया, वार्ड सचिव 4। कब लगा पाइप? लगला 6 महीने से पानी नहीं आवे छे, 6 महीना पानी आयल अहाँ के ओकरा बाद नहीं आयल, तो की वजह छे मुखिया जी कहिया आयल? ये सब कहे छे नहीं? अच्छा अच्छा तो ये आवास उवास नहीं भेटायल अहाँ के? नो की नाम नहीं छे? नो तो मुखिया जी कथी बजल आवास के? 5 साल में काज काज 5 साल राशन कार्ड बनले? एगो राशने कार्ड अहाँ के बनल?